हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्निक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आर्निक द वे ऑफ सॉल्यूशन में। सो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है मैक्रो पे बेस्ड है, जो कि मैं ऑलरेडी मैक्रो पे अपनी वीडियोस बना भी चुका हूँ, बट आज थोड़ा एडवांस लेवल पे हम सीखेंगे मैक्रो का और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। बट आज के मैक्रो को यूज़ करने के लिए हमें एक न्यू टैब की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है डेवलपर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, एमएस एक्सेल पे नीचे व्यू के बगल में एक नया टैब आता है डेवलपर नाम का। इसे कैसे हम इनेबल करेंगे, पहले तो हम ये जान लेते हैं, बिकॉज इसका यूज़ हमें आज करना है। इनकेस अगर आपके एमएस एक्सेल पे या शीट पे ये टैब इनेबल नहीं होगा, तो उसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल पे क्लिक करिए, ऑप्शन में जा सकते हैं, ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो एक आपको कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं मेन टैब के अंदर डेवलपर नाम का एक टैब है, इस पर चिप्ट का निशान है। जब आप में ये अगर अनचेक्ड हो तो आप इसे चेक कर सकते हैं। मेरे शीट पे आपको ये दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा, आई होप कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेवलपर टैब दिख रहा है। मैं इसको अगर अनचेक्ड कर देता हूँ, देन प्रेस ओके करता हूँ, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि नहीं दिखाई देगा मुझे डेवलपर टैब। आप ये देखिए गायब हो गया, वाओ। तो इसे इनेबल करते हैं, अगेन फाइल पे, ऑप्शन पे गए, कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे, डेवलपर टैब को चेक कर देंगे हम। चेक करने के बाद ओके प्रेस कर देंगे, देन अगेन शो हो गया, ये देखिए है ना अमेजिंग। सो स्टार्ट करते हैं कि मैक्रो कैसे असाइन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये टेबल है क्या और मुझे क्या वर्क करना है इस टेबल में। इस टेबल में मुझे अपने जोन के अकॉर्डिंग डेटा को एक न्यू शीट पे लेके जंप कराना है, और ये मेरा पर डे का काम होता है कि मुझे पर डे एक मेल करनी होगी। अगर कि जैसे मुझे वेस्ट जोन का डेटा को फिल्टर करना है वेस्ट जोन, तो देन प्रेस ओके, मुझे वेस्ट जोन का डेटा मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इसे कॉपी पेस्ट करना है एक नई शीट पे, पेस्ट करने के बाद मैं उस शीट को भेजूँ, ये शीट नंबर वन पे। इसी तरीके काम मुझे शीट नंबर टू पे भी करना है, यानी यहाँ पर भी मुझे फिल्टर लगाने के बाद वेस्ट को क्लिक करके फिल्टर में यहाँ से इसे कॉपी करके डेटा को एक न्यू शीट पे पेस्ट करके भेजना होगा। तो ऐसा काम मुझे रोज रोज करना होगा। इससे बचने के लिए हम एक माइक्रो असाइन करेंगे आज। सो देखते हैं वो माइक्रो असाइन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जैसा बता रखा, डेवलपर टैब अपना इनेबल ज़रूर करिए। उसके बाद पहला स्टेप होता है माइक्रो स्टार्ट करना, कि हम उसके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कैसे करेंगे। अब आप जैसे आपने डेवलपर टैब इसको इनेबल कर लिया, तब आपको एक डेवलपर टैब के अंदर भी एक ऑप्शन मिल जाता है माइक्रो का, माइक्रो रिकॉर्ड आप कर सकते हैं यहाँ से। सबसे ईजी स्टेप होता है लेफ्ट हैंड साइड रेडी के बगल में आप देख सकते हैं माइक्रो का सिंबल आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे, माइक्रो का नाम पूछिएगा, देन प्रेस ओके कर सकते हैं आप। हम चूँकि मैंने कई सारे माइक्रो इसमें बना रखे हैं, इसलिए मैं थोड़ा एक अलग नाम से बनाऊंगा। मैं अपने नाम के आगे ईस्ट लिख देता हूँ, ईस्ट का डेटा मुझे फिल्टर करना है आर्निक ईस्ट के नाम से, प्रेस ओके। माइक्रो का नाम मैंने दे दिया, माइक्रो स्टार्ट हो चुका है। अब रिकॉर्डिंग मुझे करनी है माइक्रो की, तो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया मुझे क्या करना है, फिल्टर लगाना है सभी में, फिल्टर लगाया मैंने, फिल्टर ईस्ट का मुझे लगाना है। ईस्ट पे क्लिक किया, डेटा मेरे सामने आ गया, इसके डेटा सामने आ गया। अब उसके बाद मुझे इसे कॉपी पेस्ट करना है, बट कॉपी पेस्ट मुझे कंट्रोल सी कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करना है इसके लिए, इसके लिए थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करेंगे, अगर आप कंट्रोल सी, तो आपके रॉ डेटा के बाद अगर आपने कुछ ऐड किया तो वो शायद माइक्रो में नहीं शो करेगा कभी भी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे डेवलपर टैब के अंदर यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, आप इसे क्लिक करेंगे, ये इनेबल हो गया। अब आप हमने उसको रेफरेंस दिया है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर का एड्रेस क्या है A1, यानी A1 सेल से वो कॉपी करना स्टार्ट करेगा, कहाँ तक, इंड तक। अब इंड के लिए हमने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे हम, कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमने डाउन एरो प्रेस किया तो ये सारे नीचे तक के डेटा ले लिया, देन कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमने
राइट एरो भी प्रेस किया। अब मेरा पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया है, हमें करना है कंट्रोल सी से कॉपी। अब नई वर्कबुक ओपन करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, ओपन हो गया। अब मुझे यहाँ पर करना है पेस्ट, कंट्रोल वी, ये पेस्ट हो गया। अब हम इसे अनेबल भी कर सकते हैं। अगेन हम अपने जाएंगे रॉ डेटा के पास, हमें यहाँ से फिल्टर हटाना भी है, फिल्टर हटा दिया। शीट नंबर टू, एम्प्लॉय नंबर टू पे भी जाएंगे हम। अब मुझे यहाँ पर भी सेम काम करना है, ईस्ट के जो डेटा है उसे यहाँ से भी हमें फिल्टर करना है। हमने यहाँ से फिल्टर किया। अगेन हम सेकंड वर्क क्या करेंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंस को क्लिक किया, देन एड्रेस हमारा सेल वन का दिखा रहा है, A1 सीरियल नंबर का। हमने कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस किया, देन कंट्रोल शिफ्ट के साथ ही राइट एरो प्रेस करेंगे, मेरे पूरे डेटा आ जाएंगे। सेलेक्ट कंट्रोल सी से हमने इसे कॉपी किया, एक नई वर्कबुक फिर से ओपन करेंगे कंट्रोल एन के नाम, फिर कंट्रोल वी करके इसे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा डेटा पंच हो गया। अब हम फिर अगेन अपने रॉ डेटा पास जाएंगे, इसे फिल्टर इसमें से हम हटा देते हैं। अब फिल्टर हटा दिया हमने, दोनों शीट में मैंने फिल्टर लगाया, दोनों शीट में मैंने कॉपी किया और दोनों शीट को मैंने एक नई वर्कशीट में पेस्ट कर दिया। इतना करने के बाद अब हमें माइक्रो को बंद करना है, हमारा काम ख़त्म, हमने माइक्रो को क्लोज कर दिया। अब माइक्रो को क्लोज तो कर दिया है तो यहाँ पर हम उसे क्लिक कर सकते हैं, तभी माइक्रो मेरा रन करेगा। इसके लिए हमने एक इंसर्ट से शेप बोले उठा लिया, कोई भी एक शेप उठा लिया, तो शेप को यहाँ बना दिया हमने। राइट क्लिक करेंगे आप, एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे, हमने माइक्रो का नाम रखा था आर्निक ईस्ट, ARNIKEAST। आप इसको अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा तैयार हो गया। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कोई भी माइक्रो साइन तो चूंकि मैंने किया नहीं, इसलिए मैं क्लिक करने में मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए पहले मुझे राइट क्लिक करना होगा। यहाँ पर राइट क्लिक आप करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है असाइन माइक्रो का, असाइन माइक्रो में आप क्लिक करेंगे तब आपको नाम मिल जाएगा अपने माइक्रो का। मैंने आर्मी किस्ट के नाम से किया था, आप इसे क्लिक करके ओके प्रेस कर दीजिए। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे अब इस शेप में माइक्रो असाइन हो चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक नई वर्कशीट बन जाएगी। देखिए मैं सिंगल क्लिक करता हूँ, एक नई वर्कशीट तैयार हो गई। देखते हैं, ये तो 60-61 तो मेरी पुरानी वाली जिसमें मैंने कॉपी पेस्ट किया था, इसको क्लोज कर देते हैं, या इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, इसे भी हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारी आउटपुट निकल गया ये शीट, लेकिन मैं इसे भी क्लोज करके, सारी शीट क्लोज करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मेरा वर्क कर रहा है माइक्रो या फिर नहीं। आइए देखते हैं, फिर से अगेन मैं प्रेस करता हूँ इस पर। अमेजिंग, वर्क कर रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर मैनुअली सीरियल नंबर चेंज करना होगा, 1 2, आप इसको ड्रैग कर लीजिए या फिर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। सेम आपको करना होगा यहाँ पर भी, 1 then +2। ठीक दोस्तों, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही कि मैंने कैसे किया। अब आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूँ मैं, जो कि ये है कि अगर आप कोई भी डेटा इसके नीचे ऐड करते चले जा रहे हैं तो वो डेटा भी आप फिल्टर के टाइम पे ऐड कर लेगा। देखते हैं कैसे। मैंने फिल्टर लगाया था ईस्ट का, पहले तो मैं बाकी की शीट क्लोज कर दूं, नहीं तो आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगी। आप
यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 29 नंबर पे डेटा को ऐड किया हुआ है, और अब मैं फिल्टर लगाता हूँ इस पर, यूज़ करता हूँ मैक्रो, अपनी शीट को चेक कर लेता हूँ कि क्या 29 नंबर आया है। यस 29 नंबर आ गया है, आप देख सकते हैं 29 नंबर भी आ चुका है। सो फ्रेंड्स आप ऐसे इसको ईजिली कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, मैंने तो सिर्फ ईस्ट का बनाया है, आप इसके अलावा वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल का भी बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग मैक्रो का यूज़ भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और समझ में आया होगा। थैंक यू।